वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जो फरवरी का पहला हफ्ता है उसके बेस्ट 75 क्वेश्चंस। ये रिवीजन वीडियो रहता है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसमें क्वेश्चंस कवर करते हैं क्योंकि रिवीजन वीडियो है, तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में आप मेरे डेली करंट अफेयर देखिए, डेली 20 मिनट का वीडियो आता है, उसमें डिटेल में हम 15 करंट अफेयर कवर करते हैं, वो भी क्विज के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ओबिचुअरी। ओबिचुअरी मतलब श्रद्धांजलि, अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। तो इंडिया के पूर्व बास्केटबॉल कैप्टन मैथ्यू सत्य बाबू, इनकी डेथ हो गई, बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे। पंजाबी लेखक जसवंत सिंह कनवल, पंजाबी राइटर नॉवेलिस्ट और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था, पंजाबी लेखक थे जसवंत सिंह कनवल की डेथ हो गई। पंजाबी एक और लेखक थे डॉक्टर दलीप कौर तिवाना, महिला थी, इनकी डेथ भी हो गई। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट और मराठी फेमिनिस्ट राइटर मराठी लेखक विद्यापाल की डेथ हो गई। अजमल सुल्तानपुरी की डेथ हो गई, उर्दू कवि थे। असम लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर स्पीकर प्रणब कुमार गगोई की डेथ हो गई। केन्या के पूर्व प्रेसिडेंट डैनियल अराप मोई की डेथ हो गई। मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? कई सारे और भी ब्रांड हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, इनका नाम है विराट कोहली। मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर भी ये हैं, और प्यूमा भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। एक और कंपनी है केविन केयर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है इलियाना डे क्रूज, साथ में अक्षय कुमार। इनका एक हेयर कलर ब्रांड आता है जिसका नाम है इंडिका, तो इंडिका के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज। कौन सा कंट्री है जो 4 मिलियन पाउंड का, जिसने इंडिया के अंदर इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है 37 करोड़ रुपीस का, ये लॉन्च किया है ब्रिटेन ने? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इस पैसे का क्या करेंगे? इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे कर्नाटका में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर खुलेगा कर्नाटका में और फ्यूचर मोबिलिटी का सेंटर खुलेगा महाराष्ट्र में। तो दो जगह पैसा खर्चा होगा, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र। पहली ट्रेन भारत में कौन सी है जो अभी अभी चली है जिसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं? बायो वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जैसे एरोप्लेन में होते हैं, ये है कालका दिल्ली शताब्दी। और कालका से एक ट्रेन शिमला तक भी चलती है जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, जिसको बोलते हैं हिम दर्शन एक्सप्रेस। भारत की पहली ट्रेन है जिसमें विस्ता डोम कोचेज लगाए गए हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ये रानी रामपाल को, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, और हमारी जो महिला हॉकी टीम है उसके कोच हैं जोआर्ड मरिजने, JOERDMARIGNE। अजय बिसरिया कौन से कंट्री में हमारे एम्बेसडर बने हैं, हाई कमिश्नर? अजय बिसरिया बने हैं कैनेडा में हमारे राजदूत। कैनेडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा में एक लेक है जिसको बोलते हैं विनिपैग लेक। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? इंडिया के हैं, इनका नाम है अरविंद कृष्णा। कुछ और याद रखिए, जैसे एडोबे कंपनी के हैं शांतनु नारायण, राइट, मास्टर कार्ड के हैं अजय बांगा, गूगल के हैं सुंदर पिचई, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी हैं सुंदर पिचई, और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। ये नाम कम से कम 5 आपको पता होने चाहिए। अभी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ जिसको सोफिया कैनिन और नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो बॉल बॉयज होते हैं, ठीक है, कोर्ट के साइड में जो छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां जो बॉल उठाने का काम करते हैं, उन्होंने जो टी शर्ट पहनी ये एक इंडियन कंपनी ने बनाई थी। इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है NC John and Sons। वर्ल्ड लेप्रसी डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड लेप्रसी डे इंडिया में 30 जनवरी को मनाया गया, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है जनवरी के आखिरी संडे को। तो जनवरी का आखिरी संडे इस बार था 26 जनवरी, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को, इंडिया में 30 जनवरी को इसलिए क्योंकि मार्टर्स डे होता है, महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को, और महात्मा गांधी जी ने लेप्रसी को मिटाने के लिए काफी काम किया था। वर्ल्ड लेप्रसी डे का थीम क्या था? इसका थीम था लेप्रसी इजंट व्हाट यू थिंक, लेप्रसी वो नहीं है जो आप सोचते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने किस व्यक्ति को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है थाईलैंड में? यह एक इंडियन है जिनको ये अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है गीता सबरवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है बाहत, BHT, और थाईलैंड में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं सोंगक्रान, SONGKRAN, सोंगक्रान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से ये एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, और जो करप्शन इंडेक्स होता है वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से बजट फॉर्मुलेशन सबसे अच्छा किस राज्य का है, बजट को बनाने में सबसे अच्छा राज्य नंबर वन कौन सा है, ये है असम, असम नंबर वन है, ओडिशा नंबर दो पे है। फिक्की, फिक्की के हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020, इसमें फिक्की के हिसाब से हमारा जो GDP ग्रो करेगा वो करेगा ओनली 5%, 5%, और अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में 5.5%, अगले साल 5.5, इसी साल जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है 5%। विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के एम्बेसडर बने हैं कौन से कंट्री में, विनय मोहन क्वात्रा हमारे एम्बेसडर हैं नए नेपाल में, आंसर है नेपाल, इन्होंने रिप्लेस करा है मंजीव सिंह पुरी को। नितिन गडकरी, उन्होंने एक खादी रिस्ट वॉच लॉन्च करी अभी अभी, ये कौन सी कंपनी ने बनाई है, खादी रिस्ट वॉच ये टाइटन के साथ मिलकर भारत सरकार ने बनाई है, टाइटन। नितिन गडकरी हमारे एमएसएमई मंत्री भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है, और खादी जो है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उन्होंने पटोला साड़ीज के लिए गुजरात के सुरेंद्र नगर में प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है। गौरी लंकेश अवार्ड इस साल किसे मिला है, गौरी लंकेश अवार्ड इस साल मिला है यूसुफ जमील को, पिछले साल मिला था रविश कुमार को। संप्रीति एक्सरसाइज भारत ने कौन से कंट्री के साथ किया है, संप्रीति एक्सरसाइज किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ, और ये कहां पे हुआ, ये हुआ उमरोई में, UMROI, उमरोई, उमरोई कहां पे है, उमरोई है मेघालय में, मेघालय, मेघालय में इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भी हुआ था, हाथ में हाथ। गोवा नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं इस साल, ये कौन से नेशनल गेम्स हैं, 36, 36वें, इनका मैस्कॉट क्या है, शुभंकर, मैस्कॉट है रूबीगुला, ये बुलबुल पक्षी होता है रूबीगुला, गोवा का स्टेट बर्ड है। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन कहां से चली, इसको हरी झंडी दिखाई गई, कहां से, यह चली आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश फ्रूट प्रोड्यूसर नंबर वन है इंडिया में, फलों का उत्पादक राज्य नंबर वन है आंध्र, और सब्जियों का है वेस्ट बंगाल। फ्रूट ट्रेन कहां से चली, रेलवे स्टेशन का क्या नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, TADIPATRI, तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन। CBIC का चेयरमैन नया कौन बना है, जो GST हैंडल करता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC के चेयरमैन बने हैं, पहले थे प्रणब कुमार दास, अब बने हैं एम अजीत कुमार, सो आंसर है एम अजीत कुमार। मोहम्मद तफीक अलावी ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मोहम्मद तफीक अलावी बने हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर, इराक की राजधानी है बगदाद और यहां की करेंसी है दिनार। कौन सा बैंक है जिसने आई बॉक्स लॉन्च किया है, यह सेल्फ सर्विस डिलीवरी है, फैसिलिटी है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक जो चाहिए आपको मिलेगा आई बॉक्स में, तो यह लॉन्च करा है ICICI बैंक ने, ICICI बैंक, इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप बख्शी। यूनियन गवर्नमेंट ने कितने एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है 2024 तक उड़ान योजना के तहत, उड़ान स्कीम के तहत अभी हमारे पास 100 एयरपोर्ट है इंडिया में, सोवा एयरपोर्ट कौन सा बना था, सोवा एयरपोर्ट बना था पैकयोंग एयरपोर्ट जो सिक्किम का था, 100 और बनेंगे 2024 तक, उड़े देश का आम नागरिक, और अभी 250 एरियल रूट यानी फ्लाइंग रूट तैयार हो चुके हैं, 250वां एयर रूट बना है भुवनेश्वर से वाराणसी के बीच में, और नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं जैसे बीदर में बना है कर्नाटका में, कलबुर्गी में बना है कर्नाटक में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, इस बार इसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, और रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था, रामसर जो है ये ईरान में एक सिटी है रामसर, इंडिया में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं, 37, पहले थे 10 अभी और बने, 6+3+1, एक मिला है महाराष्ट्र को, 3 मिले हैं पंजाब को, 6 मिले हैं यूपी को, तो पहले 27 थे अब 10 और हो गए तो 37 हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, वुमेन्स में जीता सोफिया कैनिन ने, अमेरिका की ये टेनिस प्लेयर हैं, और अमेरिका को इतने टाइम के बाद एक अच्छा खिलाड़ी मिला है, पहले वीनस विलियम, सेरेना विलियम वगैरह थी लेकिन उसके बाद कोई नहीं था, तो अमेरिका की हैं सोफिया कैनिन, इन्होंने फाइनल में हराया स्पेन की गार्बिन मगुरुजा को। अगर मैं मेंस की बात करूं तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं SERBIA, और नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराया था, इन्होंने हराया था फाइनल में डोमिनिक थियम को जो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। डायरेक्ट CTO नाम का एक स्कीम कौन से स्टेट ने शुरू करा है, इसमें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है उन्हें सरकार से फास्ट क्लियरेंस मिलेगा,
डायरेक्ट सीटीओ शुरू करा है अभी अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, सो आंसर है तमिलनाडु। निर्मला सीतारमन ने जो अपनी बजट स्पीच दी थी उसमें एक कवि की पंक्तियां पढ़ी, ये कवि कौन थे? ये कवि थे दीनानाथ कौल नदीम, दीनानाथ कौल नदीम। आयुर्वेद रत्न अवार्ड किसे मिला ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए? यह मिला है प्रताप चौहान को, प्रताप चौहान। ब्रुसेल हेडक्वार्टर किसका है? यूरोपियन यूनियन का है और नेटो का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। वाईएसआर पेंशन कनुका स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी है? इसमें पेंशन लोगों को उनके घर पे मिलेगी, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के, तो यह मिलेगी आंध्रा में, आंसर है आंध्रा। आंध्रा की तीन कैपिटल बनी है अभी अभी, लेजिस्लेटिव है अमरावती, एग्जीक्यूटिव है विशाखापट्टनम और जुडिशियल है कुरनूल। आंध्र प्रदेश ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, चेयरमैन? कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, अब 10 महारत्न कंपनी हो गई है भारत में। प्रमोद अग्रवाल बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तीसरी प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी ने कहां से कहां तक चलाई? पहली चलाई थी तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ, दूसरी चलाई थी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई और तीसरी चलाई है अभी अभी वाराणसी से इंदौर। एक न्यूज़पेपर है मूक नायक, इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। यह न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? यह न्यूज़पेपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था, मूक नायक। पैराओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने? पैराओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है दीपा मलिक, ये खुद एक पैराओलंपियन है, शॉटपुट प्लेयर है ये, शॉटपुट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के रियो डी जनेरियो पैरालंपिक्स में। रोहित शर्मा कौन से नंबर के भारत खिलाड़ी बने हैं, भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? रोहित शर्मा से पहले 7 खिलाड़ी बना चुके हैं तो ये बने हैं 8वें। 7 खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 14,000 रन बनाए इंडिया के लिए खेलते हुए? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली, एमएस धोनी, तो वीरेंद्र सहवाग, तो ये हैं भारत के 7 खिलाड़ी। गोपाल बगले ये भारत के राजदूत बने हैं कौन से कंट्री में? गोपाल बगले बने हैं श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों इंडिया आ चुके हैं श्रीलंका, याद रखिए। गोपाल बगले बने हैं श्रीलंका के और श्रीलंका में हमारे हाई कमिश्नर हैं, इनसे पहले थे तरनजीत सिंह संधु, अब ये बन गए हैं अमेरिका के राजदूत, और अमेरिका में पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी। तीसरा व्यक्ति कौन बना है जिसने 100 T20 मैचेस खेले? 100 T20 मैचेस सिर्फ दो लोगों ने खेले अब तक, एक रोहित शर्मा है और एक है शोएब मलिक पाकिस्तान के, तीसरे बने हैं अभी अभी न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर अड्डू टूरिज्म जोन में 5 आइलैंड हैं जिनको डेवलप करेगा टूरिज्म जोन के रूप में? तो अड्डू आइलैंड्स कहां पे हैं? ये मालदीव्स के पास हैं। मालदीव्स और केरल के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, कैपिटल है माले, करेंसी है रूफिया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। इंडियन ओलंपिक गेम में जाएगा, इंडिया ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करेगा टोक्यो में इसी साल, तो उसमें हमारा गुडविल एम्बेसडर कौन होगा? सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर होंगे हमारे सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, जनरल सेक्रेटरी जय शाह। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को इम्प्लीमेंटेशन में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा, यानी मातृ वंदना योजना को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किस राज्य ने किया? मातृ वंदना योजना को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया मध्य प्रदेश ने, और अगर मध्य प्रदेश में पूछे किसने किया तो आंसर है इंदौर ने, इंदौर। एकुशे पुस्तक मेला ये कौन से कंट्री में हो रहा है? एकुशे बुक फेयर हर साल होता है बांग्लादेश में, तो आंसर है बांग्लादेश। भारत में सूरजकुंड मेला हुआ अभी, उसमें थीम स्टेट था हिमाचल और पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। मातला अभियान नाम का युद्ध अभ्यास कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने किया कहां पे? तो 3 एक्सरसाइज हमारे हुए खुद के अपने, एक तो विंग्ड रेडर हुआ नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में, मातला अभियान हुआ कोलकाता में, और एक हुआ अपहरण एक्सरसाइज, ये हुआ कोची केरला में। काला घोड़ा कला महोत्सव आर्ट फेस्टिवल काला घोड़ा कहां पे हुआ? ये 21st टाइम हुआ था, ये हर साल होता है मुंबई में। G20 कहां पे होगा 2022 में? 2022 में G20 होगा इंडिया में, और 2020 में कहां होगा इस साल? सऊदी अरेबिया में। कौन सा कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लिया है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को मालदीव्स ने ज्वाइन कर लिया है, बीच में उन्होंने उसको छोड़ दिया था, तो मालदीव्स 54th मेंबर बना है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, सो आंसर है मालदीव्स।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किलों के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है, अल्कोहल कंजम्पशन को बैन कर दिया है? ये किया है अभी अभी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, अगर कानून तोड़ोगे तो उसमें 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक ये कहां पे होंगे? 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक होंगे गैंगवॉन में, GANG गैंगवॉन, WON गैंगवॉन है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की एक फिल्म है पैरासाइट, जिसको बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है। इस फिल्म के डायरेक्टर है बोंग जून हो और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जाए इन। कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन, WON। मेड इन इंडिया ये बुक किसने लिखी है, इस बुक का ऑथर कौन है? मेड इन इंडिया बुक लिखी है मशहूर एक्टर मिलिंद सोमन ने, और मंदिरा बेदी जो फेमस एक्ट्रेस है इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम हैप्पी फॉर नो रीजन, यानी मैं बिना किसी कारण के खुश हूं, हैप्पी फॉर नो रीजन। और पूर्व मंत्री एमजे अकबर, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। इस बार इसका थीम था आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम था अनलिशिंग यूथ पावर, अनलिशिंग यूथ पावर। भारत का टेबल टेनिस चैंपियन कौन बना है? ये 81st टाइम हुआ था नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। भारत के टेबल टेनिस चैंपियन बने हैं हरमीत देसाई, इन्होंने हराया फाइनल में मानव ठक्कर को। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये बनी है हरियाणा की सुतीर्था मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी। अब आपसे पूछें अगर टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ कहां पे था, तो ये हुआ था हैदराबाद में। टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? भारत में टेलीकॉम रेगुलेटर कौन सा है? TRAI, जिसे बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन हैं RS शर्मा, राम सेवक शर्मा, इन्हें मिला है टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। कौन सा स्टेट है जिसने लॉटरी को बैन कर दिया है? अब ऑनलाइन लॉटरी स्कीम सारी बैन हो गई है यहां पे, ये है पंजाब। पंजाब में 3 रामसर साइट थे पहले, अब 3 और हो गए हैं, हरिके वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड और कंजली वेटलैंड, 3 थे, अब 3 और हो गए हैं, तो टोटल पंजाब के पास 6 रामसर साइट हो गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जहां पे लापता महिलाएं सबसे ज्यादा हैं? वे मिसिंग वुमेन, मिसिंग वुमेन के मामले में महाराष्ट्र रहा नंबर 1 और मिसिंग बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश है नंबर 1। तो मिसिंग चिल्ड्रन है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा और मिसिंग वुमेन है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। कौन से राज्य ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए अभी अभी मुक्ति कारवां का आयोजन किया, मुक्ति कारवां रथ, इसको हरी झंडी दिखाई? तो यह हुआ राजस्थान में, तो आंसर है राजस्थान। भारत के कौन से मंत्रालय ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। एक मैगजीन है जिसको बोलते हैं द बैंकर, इन्होंने सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक के लिए किसे अवार्ड दिया है? ये भारत के बैंकर हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। अभी अभी उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 6,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये कहां पे हुआ? ये हुआ कठुआ में। और एक उज ब्रिज भी बना है, ब्रिज का नाम है उज ब्रिज। एक्चुअली उज एक नदी का नाम है, उज रिवर है जो रावी में जाके मिल जाती है, रावी की ट्रिब्यूटरी है उज रिवर। तो कठुआ में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा रूरल टेक्नोलॉजिकल फेस्टिवल जिसका नाम है अंत प्रज्ञा, ये कहां पे हो रहा है? अंत प्रज्ञा हो रहा है तेलंगाना में, और तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट है निर्मल डिस्ट्रिक्ट, NIRMAL, निर्मल डिस्ट्रिक्ट। बैड मैन ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बैड मैन ऑटोबायोग्राफी है गुलशन ग्रोवर की, सो आंसर है गुलशन ग्रोवर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी अभी डिजिटल रिकंस्ट्रक्ट किया है पुम्फुआर पोर्ट सिटी को, ये कौन से डायनेस्टी ने बनाया था? याद रखिए पुम्फुआर पोर्ट सिटी है तमिलनाडु में, इसको चोला डायनेस्टी ने बनाया था। और अगर पूछें सबसे पहला प्लेस कौन सा था जिसको डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया फर्स्ट, तो वो है हम्पी, हम्पी ग्रुप ऑफ टेम्पल कर्नाटक में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बेबेंको, टेल मी वेन आई डाई, बेबेंको मैं कब मरूंगा, टेल मी वेन आई डाई, इस फिल्म को मिला है गोल्डन कॉन्च अवार्ड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये कौन से कंट्री की फिल्म है? ये ब्राजील की फिल्म है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया,
करेंसी है रियाल, और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, उनकी पार्टी है अलायंस फॉर ब्राजील। ये हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पर। पहले बैट्समैन कौन है जिन्होंने 12,000 रन बनाए रणजी ट्रॉफी में? रणजी ट्रॉफी हमारी डोमेस्टिक ट्रॉफी है, 12,000 रन बनाए वसीम जाफर ने। सो आंसर है वसीम जाफर, विदर्भ के लिए खेलते हैं। कौन सा कंट्री है जहां पे पैसिफिक आइलैंड समिट होगा 2021 में? पैसिफिक आइलैंड समिट होगा जापान के शिमा शहर में, SHIMA शिमा, तो आंसर है जापान। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। जापान का एक शहर है नागोया, NAGOYA नागोया, तो नागोया में कौन से खेल होंगे अभी और कब होंगे? ठीक है, क्या 2026 में होंगे, और अगर हाँ तो कौन से खेल होंगे नागोया में, कमेंट्स में लिख के बताओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 40, और नंबर वन कंट्री है अमेरिका। यह इंडेक्स दिया किसने है? यह दिया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण का चीफ कौन बना है, चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल? इनका नाम है मॉन्ड्रेटी श्रीधर, मॉन्ड्रेटी श्रीधर। जन सेवक स्कीम भारत के किस राज्य ने शुरू करी है? इसमें सरकारी सेवाएं आपको अपने घर पे मिलेंगी। जन सेवक स्कीम स्टार्ट करी है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। कर्नाटका के चेलाकेरे नाम की जगह है जहां पे इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाएगा। यह चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। जेबल अली नाम का गैस का भंडार मिला है कहां पे? जेबल अली फील्ड दुनिया के चौथे सबसे बड़े गैस के भंडार हैं। ये मिले हैं, यूएई में खोजे गए। मूडीज के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा? अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें जो खत्म होने वाला है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर 2020, मूडीज के हिसाब से ग्रो करेंगे हम 4.9%, 4.9%, और अगले साल हम ग्रो करेंगे 5.5%, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम ग्रो करेंगे 5.5%। हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उसने डिसीजन लिया है कि भारत में 13वां मेजर पोर्ट बनेगा, कहां बनेगा ये? इस पोर्ट का नाम होगा वधावन पोर्ट, VADHAVAN, वधावन पोर्ट। ये बनेगा महाराष्ट्र में। हमारे जो मेजर पोर्ट हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट हो रहे हैं, नावा शेवा और मुंबई। तीसरा, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सा है जो इंडियन नेवी को दिया जाएगा? सबसे पहला था कलवारी, दूसरा था खंडेरी, और तीसरा है करंज। तो आंसर है INS करंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, INS करंज। ये तीसरा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो इंडियन नेवी को दिया जाएगा। कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड को लॉन्च किया है, जिससे बच्चों में बच्चों का जो बच्चे हैं उनका एक्सप्लोइटेशन ना हो इंडिया में? ये लॉन्च कराए प्रिंस चार्ल्स ने, और इसके लिए एम्बेसडर बनाया है केटी पेरी को। ये मशहूर सिंगर हैं केटी पेरी। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड किसे मिला है इस बार? लेप्रसी को भगाने के लिए काम करने के लिए, लेप्रसी इरेडिकेशन के लिए अच्छा काम किया है NS धर्मशक्तु ने, इसीलिए इन्हें मिला है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, NS धर्मशक्तु। सो ये था हमारा फरवरी 300 बेस्ट MCQs का, बेस्ट 75 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के। मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में, देखते रहिए स्टडी IQ प्रीमियम।